हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर वीरेन सिंह। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। जी हाँ, डीबीटी ने जो है, एक डीबीटी कह सकते हैं या एनटीए कह सकते हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस के दौरान यानी 18 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इस नोटिस के दौरान क्या बोला गया है कि जो रिशेड्यूलिंग है गैट बी और डीबीटी का, जो या जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो रिशेड्यूल किया गया। उसका जो एग्जामिनेशन डेट पहले 23 अप्रैल था, अब उसको बदल के 13 मई रख दिया गया है। मतलब अभी जो एग्जामिनेशन डीबीटी यानी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी का 23 अप्रैल को होने वाला था, वो एग्जाम रिशेड्यूल होके अब 13 मई को होगा। सिमिलर कंडीशंस गैट बी एग्जाम के लिए भी है। यानी गैट बी और बीईटी के एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस एग्जामिनेशन डेट 23 अप्रैल था, अब वो 23 मई को होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो इस नोटिस के दौरान इन्होंने ये मेंशन किया है कि पहले जो था वो 23 अप्रैल था, लेकिन अभी पहले होने वाला था कि 23 अप्रैल को हेल्ड होने वाला, लेकिन जो रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कि दैट आरजीसीबी जो है, और एनटीए ने कंडक्ट किया है कि ये एग्जामिनेशन जो है, या इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि एग्जामिनेशन जो है वो 13 मई को होगा। अब 13 मई जो है वो सैटरडे ऑफ दिन, सैटरडे का दिन है, और इस दिन जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाए। एग्जामिनेशन की टाइमिंग जो है वही है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। यानी गैट बी का एग्जाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला था, वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगा, और जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीटी का एग्जामिनेशन जो होने वाला था, वो इवनिंग शिफ्ट में। मतलब सिर्फ डेट शिफ्ट हुआ है पैटर्न में, या कोई भी शिफ्टिंग, जो टाइमिंग में कोई शिफ्टिंग नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट में गैट बी का एग्जाम है और इवनिंग शिफ्ट में जो है वो बीईटी का एग्जामिनेशन है। सिर्फ डेट जो है वो शिफ्ट हुआ है, ना ही कोई सिलेबस, ना ही कोई किसी भी तरीके का और कोई चेंजेस नहीं है। ये एक बार फिर से मैं इन समरी आपको मेंशन कर दूं कि जो एग्जामिनेशन 23 अप्रैल को होने वाला था, अब वो एग्जाम 13 मई को होगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट की बात की जा रही है? गैट बी और बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम दूसरे शब्दों में डीबीटी का एग्जाम भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।